না দিলে আমার सबसे पहले दादा साहेब फाल्के जी एक मराठी मानुस थे और उन्होंने सिनेमा को यू नो वर्ल्ड मैप पे रख दिया. एक्चुअली ही हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री इन इंडिया इंडियन सिनेमा और मराठी फिल्म में डेब्यू करके एक फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड मिलना ये एक अद्भुत बहुत सिंबॉलिक और बहुत बहुत ज़्यादा गर्व की बात है. विवाह के बाद मुझे ये ठाकरे के लिए ये पुरस्कार मिला है. सो आई एम वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी. डेब्यू किया आपने और आपकी फिल्म मराठी फिल्म में डेब्यू किया. आपकी फिल्म को काफ़ी सराहा गया एंड नाउ आज एक और आने वाली फिल्म आपकी कौन कौन सी फिल्म जी कंटिन्यू करेंगी या हिंदी करेंगे? वेल ये प्लान नहीं था बट ये ऐसा हुआ कि ठाकरे जो थी वो बाइलिंगुअल फिल्म थी हिंदी और मराठी में. इसीलिए मेरा मराठी सिनेमा में एक तरह से डेब्यू हुआ है इस साल और फाल्के पुरस्कार भी मिला है. बट आगे जाके मैं कोशिश करूँगी कि ऑफ कोर्स मराठी सिनेमा में मौका मिला तो मैं ज़रूर मराठी फिल्म करूँगी. बहुत ही आगे बढ़ रहा है वो सिनेमा. मराठी एक्टर्स चाहे मराठी सीरियल्स हो मुझे हमेशा लगता है कि उनकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा रियल होती है. आई हैव ऑलवेज बीन इंस्पायर्ड और हिंदी में ऑफ कोर्स आई लाइक टू डू समथिंग डिफरेंट नाउ वेरी वेरी डिफरेंट. जी वेल सबसे पहले ये बहुत बड़ी गर्व की बात थी कि मुझे संजय राउत सर और हमारे निर्देशक अभिजीत पांड से सभी यू नो बहुत बड़े लोग हैं उन्होंने सोचा कि मैं मीनाताई ठाकरे का रोल प्ले कर सकती हूँ. ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी और मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं कि नवाजुद्दीन के साथ काम कर रही हूँ तो कैसा होगा ये वो. मैंने सिर्फ मीनाताई ठाकरे को पे फोकस किया एंड बहुत मुझे इस बात की खुशी है कि मराठी वर्जन में भी मैंने खुद डबिंग की. इस बात की मुझे बहुत खुशी है एंड ऑफ कोर्स आज सबसे पहला फ़ोन जो है वो नवाजुद्दीन का आया. ही वॉज़ द फर्स्ट वन टू कंग्रेचुलेट मी फॉर विनिंग द दादा साहेब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड फॉर एज मीनाताई ठाकरे एंड प्लेइंग यू नो मराठी सिनेमा में मुझे जो बेस्ट डेब्यू का ये अवार्ड मिला है. सो इट्स वेरी नाइस. आई थिंक वो ही एक सच्चे एक्टर की पहचान है. मुझे बहुत खुशी हुई जब नवाज जी ने मुझे फ़ोन करके विश किया. हाय हाउ आर यू? Well, goes without saying. I think today, when you say Bollywood, which is like the colloquial term for Indian cinema, everybody on the planet knows what you know. Bollywood is Indian cinema, and they don't only know about it; they're in awe of the medium. They know it's one of the biggest mediums in the world. So I think it's a matter of huge pride, and of course, you know, actresses like Priyanka have really put Indian actresses on the world map in a very different and a big way. So I think we're already there. Yeah. Sir, you know, film Ishq Vishk,
जी, मैंने सुना कि इश्क विश्क 2 बन रही है, पर प्यार सिर्फ पहली बार होता है. जो पहला प्यार है वो पहला प्यार होता है. बट आई नो दैट द जनरेशन हैज़ चेंज्ड अ लॉट एंड इश्क विश्क 2 विल बी वेरी वेरी डिफरेंट. बट जो एक कॉलेज लाइफ है और जो कॉलेज में जो मज़ा आता है वो सिर्फ कॉलेज में आता है. सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर द होल फॉर टिप्स एक्चुअली एंड आई रियली विश दैट वी सी अ न्यू इश्क विश्क 2. वेल, इश्क विश्क की सबसे खास बात ये होगी मुझे लग रहा है कि आप अगर नए चेहरों को देखें, जैसे मेरा शाहिद का डेब्यू था, मेरा भी ऑलमोस्ट डेब्यू था उस साल. सो आई थिंक आई वुड लाइक टू सी रैंक न्यू फेसेस विथ नो बैकग्राउंड and let people fall in love with them like they fell in love with Rajiv and Payal officially. Ab Pankaj ji, ek aadmi sawal jata hai, IPL kitna follow kar pati hai aap, agar aap dekhte hain to aap karte hain play. Sorry, is bad. Yeah, I'm not following the game right now. IPL main is bar nahi follow kar rahi hu. Well, Virat of course is my favorite player all time. Thank you so much. अरे यहाँ पे राइट साइड. कैसे कम आता है ये मुझे दूसरी बार मिल रहा है और बहुत महत्वपूर्ण रहा है. पहली बार मैं अपने मॉम डैड के साथ आई थी, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि तुम खुद ही जाकर ले आओ. बट आई थिंक लाइक एक वैलिडेशन, मैंने कहा है कि बहुत सारे एक वैलिडेशन होते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए यू नो कि आपको आपको उसके लिए सेलिब्रेटरी एक मोड होता है, क्योंकि कभी कभी आप काम में इतने ज़्यादा लाइक व्यस्त हो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपने कितना काम कर लिया. देन यू लुक बैक एंड देन यू सी कि हाँ यार, बहुत फ्रूटफुल ईयर रहा है. सो आई थिंक उसकी वजह से आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट सेलिब्रेशन. सो मुझे साड़ियाँ बहुत पसंद हैं. इनफैक्ट मैं साड़ियाँ बहुत सालों से पहन रही हूँ और यूजुअली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स के लिए मैं साड़ियाँ ही पहनती हूँ. मैं कल से एक नया शो स्टार्ट कर रही हूँ जी के साथ. अभी मैंने वायाकॉम के साथ एक शो अभी रैप किया था 2 दिन पहले और अभी इमीडिएटली दूसरा शो स्टार्ट कर रही हूँ. सो आई थिंक इस साल का लाइनअप बहुत अच्छा है और बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं. कोई कैरेक्टर रिपीट नहीं हो रहा है और आई थिंक हर आर्टिस्ट को वही चाहिए कि आप एक अलग 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 किरदार प्ले करते रहें. सो वो करने के लिए मिल रहा है. सो आई थिंक इट्स ग्रेट. ओ हेलो, कैसे? हाय, हाउ आर यू? थैंक यू. साकिब आ रहा है, मुझे पता नहीं था. ओ गुड. मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि साकिब ने बहुत अच्छा काम किया है. आई थिंक उसको अवार्ड मिलना चाहिए. उसने रंगबाज ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है और आई थिंक जब किसी आर्टिस्ट को उसके काम के लिए, उसकी मेहनत के लिए अवार्ड मिलता है तो आई थिंक दे वर्क हार्डर द नेक्स्ट टाइम. सो वेरी वेल डिजर्व फॉर साकिब फॉर श्योर. मैं एक सरकारी फैमिली से आती हूँ जहाँ पर ज़्यादातर हमारे मेंबर्स हमारी फैमिली में या तो फिर पुलिस सर्विस में हैं या तो फिर मेरी फैमिली में सब आर्मी के ऑफिसर्स हैं या नेवी में हैं या तो फिर एयरफोर्स में हैं. तो मैंने अपनी पूरी लाइफ सिर्फ यही देखा है कि गवर्नमेंट के लिए या देश के लिए इतना प्रेम रहा है मेरे घर में, तो मैं वो देखते हुए बड़ी हुई हूँ.
चाहे जो हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, जब इलेक्शंस होते हैं तो मेरे माँ बाप दे मेक श्योर कि सुबह सुबह उठ के हम लोग पूरी फैमिली के साथ वोट देने जाते हैं। और मुझे लगता है कि जो नहीं देते हैं वो एक अपना एज अ सिटीज़न एक अपना हक खो रहे हैं। अगर आपको अपना हक खोना है और आपको इस हक खोने की आदत है तो आई थिंक आप अपने आप को इस बार झकझोरिए और निकलिए अपने घरों से बाहर, क्योंकि ये आपका हक है। जैसे एजुकेशन और एक अच्छी ज़िंदगी जीना सबका एक हक है, वोट देना हर एक सिटीज़न का हक है, एंड आई डोंट थिंक ये हक किसी को खोना चाहिए। तो बहुत सोच समझ के अपना मतदान करें, बहुत सोच समझ के जो सरकार चुननी है, जो अपने लीडर्स चुनने हैं उनको करिए। किसी का दबाव या किसी प्रेशर के अंडर किसी को वोट मत करिए। भगवान ने दिमाग दिया है उसका थोड़ा इस्तेमाल करें और जाके मतदान करें। 26 11 के मैं क्या रिएक्शन दूँ? मैं एक ऐसे देश में हूँ जहाँ पर एडुकेशन ही नहीं महत्व दिया जाता है किसी को। जिस देश में एडुकेशन का महत्व नहीं है लोगों को, तो वो यही बेकार की बातें करेंगे। जो देश एडुकेटेड होता है वो देश कभी ऐसी बातें नहीं करेगा। थोड़ा पैसा जो इलेक्शंस में जो जा रहा है, अगर लोग किसी की पढ़ाई में डाल दें, किसी बच्चे की पढ़ाई में, तो वो बच्चा बड़ा होकर ये फिजूल की बातें नहीं करेगा। वो बड़ा होकर दिमाग इस्तेमाल करेगा और बेकार की श्राप और नागिन और पता नहीं जो बकवास बातें होती हैं, पता नहीं यार। मैं तो मतलब इतनी एडुकेटेड फैमिली से हूँ तो मुझे जब मैं ये सब सुनती हूँ तो मेरे तो मतलब मेरा खून खौल उठता है। मेरी माँ पुलिस में है, 40 साल उन्होंने पुलिस में बिताए हैं। बहुत ग्लोरिफाइड लगता है और बहुत गंदा कभी कभी दिखाते हैं कि पुलिस वाले ऐसे हैं, पुलिस वाले वैसे हैं। मेरी माँ CBI में थी, देर वर डेज व्हेन 5-5 दिन तक मुझे पता नहीं रहता था कि मेरी माँ कहाँ है, बिकॉज शी वॉज नॉट अलाउड टू हैव एनी कॉन्टैक्ट विद एनी ऑफ अस। बिकॉज एज अ CBI ऑफिसर माई मदर वॉज नॉट सपोज टू गिव आउट एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट वॉट शी इज़ डूइंग, वेयर शी इज़ वर्किंग। एंड आई एम सॉरी एनीबडी हु सेज एनीथिंग अगेंस्ट द पुलिस डिपार्टमेंट, आई वुड पर्सनली पुल अप दैट पर्सन, बिकॉज मैंने मेरे घर पर वो कल्चर देखा है जहाँ पर ऑफिसर्स इतना काम करते हैं और अगर कोई उनको मतलब गाली दे या उनको मतलब नीचे दिखाए या उनको या अब्यूज़ करे, आई फील कि वो बंदा मतलब बोलने लायक ही नहीं है। सो प्लीज़, मुझे पता नहीं उन्होंने क्या क्या कहा है, लेकिन उन्हें जो भी कहा है मेरी कोई सहमति नहीं है उससे। थोड़ा पढ़ाई करती, अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देती तो आज श्राप राप की बातें नहीं कर रही थी। सॉरी, मेरा बहुत खून खौल उठता है इन चीज़ों को सुनकर। किसे? धोनी, चेन्नई सुपर किंग। जहाँ धोनी वहाँ हमारा मन। थैंक यू। सुमित जी के पास एक सवाल था। माय पेरेंट्स आर नॉट देयर टुडे, सो थैंक यू सो मच। Thank you very much, Dada Phalke Award, whoever suggested my name. Thank you. Shukriya. खुश हैं आप गाना देख के? नहीं, एडिटिंग में बहुत काट दिया गया। सुनिए मैम, सुनिए ना।
हाँ थोड़ी लंबी लगी। और मैं बाकी पूछे ना, आप मतलब थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था कि आप बीच में नाराज? नहीं नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। सलमान जी के साथ में काम कर रहे हैं आप? बस बोला तो है, अब जब होगा तब देखेंगे, आप भी देखेंगे। किसी से नाराजगी तो नहीं है आपको? कभी नहीं। कुछ कहना चाहेंगे जो आप लोग देख रहे हैं? नहीं, बस थैंक यू सो मच फॉर रिकॉग्नाइजिंग मी। हाय, लॉन्ग टाइम जी। जी, जिन्हें करता धरता माना जाता है इंडस्ट्री का, जिनसे सिनेमा की शुरुआत हुई, उनके नाम पर जो अवार्ड्स हैं, और ये जो अवार्ड्स हैं ख़ास तौर पर बहुत मायने रखते हैं, और अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। अवार्ड्स हमेशा मुझे लगता है एक एक्टर्स की ज़िंदगी में बहुत बहुत मायने रखते हैं। एक एक्नॉलेजमेंट होता है, एक अप्रिसिएशन होता है, और ख़ास तौर पर अगर एक नाम ऐसा जुड़ा हो जिन्होंने फिल्में शुरू की, सो दैट रियली मैटर्स अ लॉट। जी मेरा जो भी काम होता है मैं सबसे पहले उन्हें दिखाना पसंद करती हूँ, और उनका सबसे पहले रिस्पांस आता है, दे आर फैमिली टू मी। तो मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि शबाना जी को कैसा लगा और जावेद साहब को कैसा लगा, एंड आई एम ग्लैड दे लाइक माय वर्क वेरी मच। और म्यूज़िक टीचर का रिस्पांस अच्छा आ रहा है, और जब तारीफ मिलती है तो ऑब्वियसली इट फील्स वेरी गुड। गदगद हो रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है अवार्ड मिल रहा है, और वो भी दादा साहब फाल्के अवार्ड, सो इट्स वेरी नाइस। मुझे लगता है अभी भी इतने साल बाद भी पेट में गुदगुदी होती है, दिल की धड़कनें बढ़ती हैं, और जब आप स्टेज पर जाके अपना अवार्ड लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है जब तालियों की गड़गड़ाहट आती है। थैंक यू। हाई शुक्रिया। आपका चुनाव सबसे ज़्यादा मतलब कुछ श्रेणी रहता है, इसके पीछे कोई सोची समझी बात होती है जब आप चुनती हैं? मेरी कल फिल्म म्यूज़िक टीचर का एक डायलॉग था कि मैं कई बार दिल दिमाग से नहीं, दिल से ही काम लेना चाहिए, तो मेरा ज़्यादातर काम दिल से ही होता है, और जो दिल से ज़्यादातर काम होते हैं वो कभी गलत नहीं होते हैं। सो माय रोल्स, माय चॉइस ऑफ देम, माय फिल्म्स, आई थिंक ऑल इज स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। थैंक यू। यू टू, थैंक्स। Thank you.
सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. इट्स एंड ऑल्सो ये साल इट्स द 150th एनिवर्सरी एंड ही इज़ द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा. सो इट मीन्स अ लॉट. एंड आई थिंक जो अवार्ड है एवरी ईयर दे जॉइन हैंड्स विद अ स्पेशल कॉज एंड दिस ईयर ऑल्सो इट्स रियली स्पेशल. इन फैक्ट वेरी स्पेशल एंड वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू टीच लिटिल चिल्ड्रन अबाउट समथिंग दैट इज़ so relevant and so necessary in today's times about good touch, bad touch, and educating them, socializing them, and so I think it's really like amazing that the award joins hands with a special cause like this, an important cause like this. So actually pichle do 1.5 years mein maine south mein kafi kaam kiya hai, starting with 2 films with Mani sir, and after that quite a few films with quite some amazing directors. So I think they're giving me something for excellence in South cinema. So I'm very happy because it's just been a very short while that I have tried to balance Hindi, Tamil and Telugu, and I've gotten to do some really, really exciting work with really amazing directors there. So it feels very good. No, I didn't know. मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी इसके बारे में. मुझे एक्चुअली मैंने वो प्लेटफॉर्म देखा नहीं है, सो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट. ऑनेस्टली आई हैव नॉट सीन एनीथिंग ऑन दैट. हाय, हाउ आर यू? आप रहेंगे? जी ना सिर्फ मेरे लेकिन मुझे लगता है किसी भी कलाकार के ज़िंदगी में ये बहुत बड़ा सम्मान है. सो इट्स द सेम फॉर मी. जी थैंक यू सर. एक्चुअली इस तरह की जो आउटफिट होते हैं काफ़ी सिंपल होते हैं. अनीशा जैन ने मुझे स्टाइल किया है और कल हमने ट्राई किया, फिटिंग कर दी, पहन लिया. इट्स क्वाइट सिंपल. माफ़ कीजिएगा, अवार्ड की फॉर मी आई थिंक अवार्ड सर दे सिग्निफाई रिकग्निशन एंड इनकरेजमेंट. सो इट मीन्स अ लॉट टू मी दैट माई वर्क इज़ रिकग्नाइज, दैट आई एम बींग इनकरेज बाई माई सीनियर्स. बट टू मी आई गेस ऑल इट मीन्स इज पुल अप योर सॉक्स एंड डिलीवर बेटर एवरी टाइम. जी कोई एक नहीं कहूँगा मैं सर. आई थिंक ऑल ऑफ देम आर इक्वली वैल्यूएबल. विद द अवार्ड्स कम द एक्सपीरियंसेस
to meet with the seniors of the fraternity and to meet with the jury members and to meet with wonderful artists. So I think all those experiences are different for me, but all the awards are extremely valuable. They're all, the same in terms of value for me. TikTok को जी नहीं मैंने नहीं सुना था आपसे मैं पहली बार सुन रहा हूँ म्यूजिकली हुआ करता था जी जी मेरी इस पर कोई राय नहीं है सर मैंने अभी अभी इसके बारे में मुझे जानकारी मिली है आपसे तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये डिसीजन लिया है तो आई थिंक इम्पोर्टेंट चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लिया होगा So I really don't know very much about it, so I won't comment on it. Kishan? Hi, kaise hain aap? Good evening. Thank you, sir. I do hope so, of course, yeah. जी दिस वुड बी माई फर्स्ट टाइम ओ डेफिनेटली आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड इवन एज अ सिटीजन ऑफ दिस वर्ल्ड टू बी अवेयर एंड टू गो आउट देयर एंड कास्ट योर वोट्स बिकॉज इट मेक्स अ डिफरेंस एवरी सिंगल वोट मेक्स अ डिफरेंस एंड दिस इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आवर फ्यूचर एज अ नेशन So I will be casting my vote. I hope that everybody who is of age will do the same. जी हाँ बिल्कुल of course as it is for any citizen of any country it is of course important. जैसे कि मैंने कहा इट डिक्टेट्स द फ्यूचर ऑफ आर कंट्री यू नो एंड दिस इज द वन वे दैट वी कैन मेक आर वॉइस हर्ड एंड मेक अ डिफरेंस एंड मेक आर चॉइस यू नो सो इट्स अ डेमोक्रेसी एंड वी मस्ट प्ले आर पार्ट एंड वी मस्ट डू व्हाट वी कैन एज सिटीजंस जी सर थैंक यू सर थैंक यू सो मच मीन्स अ लॉट थैंक यू एनीथिंग थैंक यू Thank you so much. मैं बोथ ऑफ यू राइट साइड राइट प्लीज राइट साइड मैम सामने देखिए सामने धन्यवाद भाई मत फिर पीछे भी खड़े हम मैडम जयदार मैडम राइट साइड आई थिंक हमारे अवार्ड कुछ ना कुछ मायने जरूर रखता है और जब भी एक अवार्ड मिलता है आपको हमेशा बहुत बहुत खुशी होती है थैंक यू सो मच बिल्कुल सोलह साल की है वो आई थिंक यू कैन गिव हर अ ब्रेक
और उसने अपना 16वां जन्मदिन अभी सेलिब्रेट किया है. अभी के लिए वो 10वीं में है एंड शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर हर बोर्ड एग्जाम्स. दैट्स इट. थैंक यू. या As of now, there is absolutely nothing. So maybe I'll take another 2-year break. Who knows? And but yes, I am planning something. Hopefully, I'll be able to announce it soon. As of now, he has not told me anything. अभी तक तो अजय जी ने मुझे कुछ बताया नहीं है. No. I think that's very clear in my this thing. No, not turning director anytime soon. Thank you. Thank you so much. हाय जी. आई डोंट नो इफ देर इज़ अ बिगर ऑनर दैन रिसीविंग एन अवार्ड दैट हैज सेलिब्रेटेड एक्सेलेंस इन द एंटायर बिजनेस एंड द आर्ट ऑफ मेकिंग इंडियन फिल्म्स. बिकॉज इट्स एन ऑनर टू रिसीव एन अवार्ड दैट इज अ dedication to the father of the Indian film industry. So mere liye ye bahut hi ahem sham hai and hamesha sochte hain like main kal se apne phone pe google kiye ja rahi hu bar bar dada sahib phalke award really aaj this is you know like the importance of this award. It's the highest honor to receive in entertainment if you are an Indian and for me this is such a great honor. aaj meri shaam hai yaar jis tarah se aap tweet karti hain and samne se reply aata hai aaj main sirf dada sahib phalke award ke bare mein baat karungi. it's such an honor. so i think that's what we should be talking about and i have never been shy to speak about what I think of what I feel and I don't think I should either. so I'm very happy. thank you so much. thank you. अच्छा जी ठीक है. प्रेशर डाल दिया आपने. मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों के और ये अवार्ड शो के लिए कि इन्होंने मुझे ये पुरस्कार देने का डिसीजन लिया है और मैं बहुत खुश हूँ और आप सब लोगों ने मुझे इस साल इतना प्यार दिया है और अगर ये पुरस्कार उस प्यार और एक्सेप्टेंस का एक रिफ्लेक्शन है तो मैं बहुत ही खुश हूँ. देखिए मेरा ये मानना है कि जब एक एक्टर काम करना शुरू करता है या करती है तो वो कभी अवार्ड को जहन में रख के काम नहीं करते लेकिन जब मिलता है जब लोगों को उनका काम पसंद आता है तो हमेशा अच्छा ही लगता है. नहीं नहीं इनका और इनका दोनों कर लेते हैं. आपकी ब्यूटीफुल साड़ी के बारे में जानना चाहेंगे जो बहुत ही ब्यूटीफुल है थोड़ा सा. मनीष सर ने मेरे लिए साड़ी बनाई है और पिंक मेरा पसंदीदा कलर है और उनकी डिज़ाइन है. उन्होंने कुछ अलग करने की कोशिश की है आज और बस मुझे साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है. अभी अभी पहनना शुरू किया है मैंने तो आई होप दैट आई कैन पुल इट ऑफ. Yes, it's my first time that I'll be voting
And I think it's very important that everyone votes, especially our generation, because we're informed individuals and we need to take, it's a democracy that we're living in and we need to take it in our hands and make decisions. And Ishan is also here. जी ज़रूर यादगार रहेगी, ये मेरी फर्स्ट फिल्म है तो जाहिर है कि मेरे लिए हमेशा पूरी ज़िंदगी यादगार रहेगी और आप लोगों ने इस फिल्म को इतना प्यार दिया है तो उसके वजह से और भी यादगार रहेगी हमेशा. थैंक यू. पांच बार एंट्री, एक और बार, एक और बार, एक राइट विंग से, एक लेफ्ट विंग से. सर कैसे क्या चल रहा है सर, बताएं सर क्या नीता जी. यार आई थिंक जब से कुछ आधा पौना क्रिएटिव काम करना शुरू किया था तब से इन अवार्ड फंक्शंस के बारे में सुन रहे हैं और आई थिंक किसी भी आर्टिस्ट के लिए इससे ज़्यादा प्रिविलेज की बात नहीं हो सकती है कि वो ये अवार्ड फंक्शन अटेंड करे. और आई थिंक जब बचपन में मैं स्टेज पे चढ़ा करता था, एमसीइंग किया करता था, आरजेइंग किया करता था कुछ साल पहले, तो ऑफ कोर्स इन अवार्ड फंक्शंस का जिक्र बार बार होता था. तो ये नहीं पता था कि बॉम्बे एक दिन आके कुछ शायद यहाँ पे आने का मौका मिलेगा. या खतरनाक, आई लव द वर्ड जो आपने उठाया, खतरनाक रोल किए मैंने. ठीक है, डेफिनेटली जो आपने खतरनाक बोला, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने बोला खतरनाक रोल करते हैं. सो आई मीन आई थिंक गॉड हैज बीन वेरी काइंड टू गिव मी द राइट स्क्रिप्ट्स. एंड कई बार आप ये चीज़ें प्लान नहीं कर पाते हैं, कई बार अपने आप स्क्रिप्ट आपके पास पहुँच जाती है या आप अपने आप स्क्रिप्ट के पास पहुँच जाते हैं. कुछ कहीं और किसी और से मिलने गए होते हैं और एकदम से पता लगता है कि अच्छा यहाँ पे किसी फिल्म की डिस्कशन चल रही है. सो ऐसा बहुत बार होता है, हर एक एक्टर के साथ होता है. सो आई थिंक आई जस्ट बीन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. आई डोंट वॉन्ट टेक एनी क्रेडिट ऑफ यू नो ग्रैबिंग दोज अपॉर्चुनिटीज़. आई वॉज जस्ट देयर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एंड या आई मीन आई वॉज एबल टू जस्टिस टू देम. या थैंक यू सो मच. थैंक यू. हाँ बताइए सर. बहुत
बहुत हर अवार्ड मायने रखता है एंड दादा साहब फाल्के अवार्ड तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है. सो आई थिंक हर एक्टर, मैं हमेशा कहता रहता हूँ, हर एक्टर इसीलिए काम करता है कि उसके काम की सराहना हो, लोग उसको बताएं कि वो अच्छा काम करें. एंड आई थिंक अवार्ड्स एक ऐसी चीज़ है जो उस एक्टर को सबसे ज़्यादा बता देती है कि उसका काम अच्छा हो रहा है. ये मैं समझा नहीं आप, आपकी बातें थोड़ी ना मेरी निकल जाती कभी कभी. कोशिश करते हैं. आई फील लाइक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस चल रही है यार एक्टर्स की इंडस्ट्री में और बहुत वेरीड काम हो रहा है. सो आई थिंक वन हैज़ टू बी केयरफुल दैट व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू वांट टू डू. एंड ऑफ कोर्स आई हैव मेड सम मिस्टेक्स इन द पास्ट. आई वांट टू नाउ गोइंग फॉरवर्ड आई वांट टू फिगर आउट दैट आई गेट द बेस्ट पार्ट फॉर माई सेल्फ. सर प्रेप हैज स्टार्टेड. इट्स बीन 3 months दैट द प्रेप हैज स्टार्टेड. तो अभी हम वी आर इन द फेज ऑफ ट्राइंग टू फिगर आउट कि मूंछ कितनी लंबी होगी, कितनी छोटी होगी, डायलेक्ट क्या होगा, क्रिकेट कितना होगा और कैसे होगा. सो आई थिंक बहुत मज़ा आ रहा है यार. आई हैव बीन अ क्रिकेट लवर ऑल माई लाइफ. थोड़ा बहुत क्रिकेट खेला भी है जीवन में. सो आई थिंक मुझे ये प्रेप में बहुत मज़ा आ रहा है. जी सॉरी. हर मैच, हर क्षण, हर पल, चाहे अगर देख नहीं पाता हूँ लाइव अपने मोबाइल पे. आई रियली लव क्रिकेट यार. सो आई रियली, देखो फेवरेट प्लेयर मेरा विराट कोहली है बिकॉज वो विराट कोहली है. और मैं आई नो आरसीबी शायद ऑलमोस्ट आईपीएल से बाहर हो गई है बट तब भी मैं उनको सपोर्ट करता हूँ. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. यहाँ पे छोटा सा